एसटीवी न्यूज सूरत बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब। जे स्पोर्ट मीट 2022-23 जीवन ज्योत स्पोर्ट मीट में डांस, एनसीसी और हाउस के विद्यार्थियों ने अपने हाउस के झंडे के साथ स्पोर्ट की ओपनिंग की, जिसमें स्कूल के ट्रस्टी अश्विन भाई, कार्यकर्ता मुकेश भाई, कॉलेज के प्रिंसिपल मुकेश गोयानी और जीवन ज्योत स्कूल के प्रिंसिपल श्री दिलीप परमार ने बैलून्स को आसमान में उड़ा के और मिसाइल जलाकर खेल की तरफ आगमन किए। स्पोर्ट मीट में अभिभावकों का खेल रखा गया था, जिसमें भारी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया था। महिला हो या पुरुष, दोनों ही अभिभावकों ने भाग लिया। दौड़, बैलून बैलेंस, टग ऑफ वॉर ऐसे अनेक गेम में भाग लिए थे और काफी उत्साहपूर्वक खेल का आनंद उठा रहे थे। रिपोर्टर किशन त्रिपाठी। मेरा नाम सुजीत रायतल है। मेरा बेटा एसआरकेजी 2 में होता है, पर स्कूल में ऐसा पेरेंट्स डे रखा, पेरेंट्स का स्पोर्ट डे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सब पेरेंट्स हैप्पी हुए हैं। थैंक यू। मेरा नाम पंडिया विकिशा प्रकाश भाई है। मेरा बच्चा फर्स्ट बी में पढ़ता है और हम खुश थे आज है आ स्कूल में आवी ना इतना पेरेंट्स डे रखो, स्पोर्ट डे रखो, ने सर टीचर ने ये प्ले कही थी कि तमे आवी इतना पेरेंट्स नु कोई फंक्शन रखता रहे। मेरा नाम नंदिनी साहू है। मेरा बच्चा का नाम रोहन साहू, वो प्ले ग्रुप में पढ़ता है। ये अच्छा लगा कि हम लोग कभी अपने लिए टाइम नहीं निकालते, ऐसे खेलकूद में पार्टिसिपेट नहीं करते, स्कूल के तरफ से हम लोग को ऐसे खेलने के लिए मिला, इसलिए बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए भी थोड़ा टाइम निकला, एंजॉय भी किया हम लोगों ने। सागर लोनारी पाटिल, मैं महाराष्ट्र से हूँ। गुजरात में सूरत में जब से 2 साल से आया, उसके बाद लड़की को RM स्कूल में मैंने एडमिशन दिया। तो दूसरी बात, मेरे को स्पोर्ट में बहुत इंटरेस्ट है। थैंक यू। मेरा नाम महिपाल वाजा है। मेरा भतीजा यहाँ पढ़ रहा है, क्योंकि उसके पापा, मेरे भाई और भाभी दुबई है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। स्पोर्ट में बहुत मज़ा आया। आपका नाम? सर मेरा नाम निशा आर्या है। निशा जी, आज क्या प्रोग्राम और कौन सी जगह, कैसा आपको फील हुआ और कौन सी गेम खिलाए? देखिए, ये हमारा स्कूल है, जीवन ज्योत स्कूल है, शत्यारो मीडियम, बहुत सारे नाम से प्री प्राइमरी का अलग इस तरह से नाम है। हम लोगों ने पेरेंट्स का आज रखा है और पेरेंट्स काफ़ी उत्साहित थे खेलने में। गेम 1 मिनट का भी था, रनिंग रेस भी था, और काफ़ी वो लोग काफ़ी उमंग के साथ अपने आप को बच्चे बना के खेल रहे थे। और हम लोगों को इससे ये प्रोत्साहन, हम लोग को खुद को भी ये प्रोत्साहन मिला कि हम लोग पेरेंट्स के लिए अलग अलग इवेंट्स और बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स ढूंढ ढूंढ के निकालें और उनको प्रोत्साहित करें। इस तरह से हमारा स्कूल और आगे बढ़ेगा। कुछ स्पोर्ट्स तो करेंगे सर, कुछ अलग करेंगे, उसके अलावे हम लोगों ने कुछ सोच रखा है पेरेंट्स के लिए, या बागवानी करवाएं, या फिर फिन फन फेयर करवाएं, उनमें भी वो लोग पार्टिसिपेट करें। इस टाइप से अलग अलग इवेंट्स हमारे सर ने सोच रखा है। आनंद सर, आपने ये जो गेम आज खिलाया, आपको कैसा अंदर से फील हुआ और आपको पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये आज हमने जो पेरेंट्स के लिए जो स्पोर्ट्स रखा है, उसका मेन पर्पस हमारा ये है कि हम लोग तो बच्चे तो स्कूल में खेलते ही है, और पेरेंट्स जो है जिनकी इच्छा स्कूल उनके स्कूल पीरियड में, स्कूल टाइम में उनकी इच्छा अधूरी रह गई हो, तो ये उनको ये उम्र में भी मौका मिले खेलने का, ये पर्पस हमने पेरेंट्स का स्पोर्ट्स रखा है। ट्रस्टी और प्रिंसिपल का कैसा सहयोग? हमारे प्रिंसिपल सर हमेशा कुछ भी नया और अच्छा करने के लिए हमको मोटिवेट करते हैं और हमेशा रेडी रहते हैं। उनका सपोर्ट हमें हमेशा मिलता है, और हमारे जो ट्रस्टीज है उनका भी सपोर्ट हमें हमेशा मिलता है। नई टेक्नोलॉजी के लिए कुछ प्रिंसिपल ऐसा, कुछ ऐसा आपका सहयोग या कुछ ऐसा पेरेंट्स के बीच कॉन्सेप्ट कैसा रहता है? पेरेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट भी, ये भी सर का बहुत अच्छा रहता है। हम लोग ने ये भी सोचा है कि नेक्स्ट टाइम जैसे बच्चों का एनुअल फंक्शन होता है, वैसे पेरेंट्स का भी एनुअल फंक्शन करे, तो पेरेंट्स भी डांस कर सके उसमें,
किसी को गाना गाना तो गाना गा सके, अलग अलग एक्टिविटी, उनके जो हुनर है वो हुनर को हम लोग बाहर निकालेंगे। पहले तो राहुल भाई, मैं एसटीवी टीम की को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पधारे और इतना बड़ा कवरेज लिया, तो आपकी पूरी टीम को, हमारे जीवन ज्योत परिवार की ओर से आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बच्चों को तो हर बार मौका मिलता है स्कूल में अलग अलग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, पर पेरेंट्स को ये मौका नहीं मिलता है। तो हम सोचे कि भाई क्यों ना हम पेरेंट्स को भी ये चांस दें। एक उम्र बीत जाने के बाद पेरेंट्स अपने आप में जो कला होती है वो कला भूल जाते हैं, अपने आप में जो खूबियाँ होती है वो खूबियाँ भूल जाते हैं। तो उनका बचपन लौटाने है तो ही हमने आज ये पूरे स्पोर्ट डे का आयोजन किया है। इनका उनकी यादें, बचपन की यादें जो हैं उनके ताज़ा करने हैं तो ही हमने ये स्पोर्ट डे का आयोजन किया। और इसके लिए मेरी पूरी व्हाइट हाउस की टीम, मेरे पूरे शिक्षकगण, सभी ने बहुत ही साथ दिया सभी ने, और बहुत अच्छी तरह से ये कार्यक्रम को पूरा करने में हेल्प किया हमारा इनका। और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को एक हमारे चैनल गुरु क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि भाई बच्चे तो खेलते रहते, आप भी हर बार अगर पार्टिसिपेट करोगे तो उससे आपके बच्चे को भी प्रोत्साहन मिलेगा, भाई देखो मेरे पेरेंट्स खेल रहे हैं तो मुझे भी खेलना चाहिए, मेरे पेरेंट्स पार्ट ले रहे हैं तो मुझे भी पार्ट करना चाहिए। तो बच्चों को भी काफ़ी सारी मोटिवेशन मिलेगी, वो भी काफ़ी सारे एंकरेज होंगे। तो हर एक पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा भाई जब भी स्कूल में कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो स्पोर्ट डे हो, चाहे वो एनुअल फंक्शंस हो, चाहे वो कोई वन मिनट गेम्स हो, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो या डांस कंपटीशन हो, तो पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को मोटिवेट करें। जीवन जो हर चीज़ों में आगे रहता है, इसका क्या राज है? हमने जैसे ज़्यादा कि भाई हम लोग चेंज में मानते हैं कि भाई अगर चेंज नहीं करोगे तो एक दिन हम लोग क्या भाई आउटडेटेड हो जाएंगे। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमें चेंज लाना, लाइफ में चेंज लाना बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ इज़ अ चेंज एंड यू हैव टू चेंज इट। अगर चेंज नहीं करोगे तो बहुत आउटडेटेड हो जाओगे और मार्केट से गायब हो जाओगे। नए साल के लिए आप क्या करना चाहते हैं? नए साल के लिए हम सोच रहे हैं कि पेरेंट्स को इस बार मौका दें। हमारा अभी अगले महीने हमारा फन फेयर आ रहा है, तो सभी पेरेंट्स इनमें पार्टिसिपेट लें, उनकी कंपटीशन करें और बस लोगों की मदद करें। एक हमारे एक स्कूल का, हमारे ट्रस्टी का और हमारे संस्था का क्या हमेशा अहम रहता है भाई जितना पॉसिबल है एक सोशल वर्क करें, लोग गरीब लोगों की मदद करें। तो बस यही चाहूँगा और थैंक यू वंस अगेन द टीवन S9 TV की ओर से फिर से हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।